हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हमको ठीक है, अच्छे हैं मतलब। और आज थोड़ा सा है मतलब ठीक था, ठीक मतलब बीच पे थोड़ा सा धूप निकली, लेकिन फिर से वैसे ही बारिश 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 सुबह से मतलब पड़ चुकी है एक बार। और जैसे कि आज है संडे, और संडे का मीन्स होता है, पता है आपको क्या होता है? मैं बता देती, कोई बात नहीं। संडे का मीन्स होता है घर पे सब लोग का रहना और फरमाइशे करना, मतलब या तो स्पेशल खाना या फिर स्पेशल मतलब स्पेशल लंच हो या स्पेशल डिनर तो नहीं, खैर स्पेशल लंच हो या फिर स्पेशल कुछ ब्रेकफास्ट हो। तो जैसे कि प्रांकी, जैसे घर पे प्रांकी का जैसे हॉलिडे होता है, तो उस दिन ना प्रांकी का स्पेशल रहता है और स्पेशल संडे हो जाता है। तो प्रांकी की आज की फरमाइश पता क्या थी? पिज्जा। ऐसे ही है ये, क्या है ना कि पूरा जो वीक होता है वो उसका भी बिजी होता है, तो कुछ इस तरह का मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे पिज्जा है या फिर पास्ता है या फिर मैगी वगैरह है, तो ये ना तो वो स्कूल लेके जा सकती है। और फिर शाम के टाइम आती भी है तो 3:15, 3:20 इस तरह से टाइम हो जाता है, तो उस टाइम फिर कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उस टाइम तो फिर खाना होता है, तो फिर ये चीज मतलब। और वैसे भी बहुत ज्यादा क्या होता है, अगर इस टाइप की चीजें जैसे पास्ता वगैरह देती हूँ तो थोड़ा मैं कम ही देती हूँ। जैसे पिज्जा भी है तो मैं ऐसा नहीं है कि हर वीक में बन रहा है या हर संडे में बन रहा है, महीने में एक आध बार या 20-25 दिन हो जाते हैं, इस टाइप से मैं दे देती हूँ, कोई बात कोई नहीं है। क्योंकि पास्ता भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बना के देती हूँ, या मतलब एवरी संडे नहीं देती हूँ, या सैटरडे में भी, जैसे सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे हॉलीडे होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं उसमें देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हार्म हो ही जाता है बच्चे का इस तरह की चीजें खाने से। कभी कभी मैं चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर वीक में दे रहे हैं, हर संडे में दे रहे हैं या हर सैटरडे में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ स्पेशल हो जाता है संडे में, क्योंकि इंतजार रहता है। पहले इंतजार नहीं रहता था इसको, लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा पूरा दिन स्कूल का रहता है तो इसको छुट्टी का बहुत इंतजार रहने लगा है आजकल, तो बड़ी खुश होती है अब कि सैटरडे संडे हॉलिडे है, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे हॉलिडे होता है। तो आज पिज्जा बनाया था, और पिज्जा की रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर अब नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए अगर कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि कुछ अलग तरीके से बनाया हुआ होता तो मैं जरूर करती, लेकिन सेम प्रोसेस था इसलिए दोबारा नहीं किया। और बाद में हो जाता है अगर कुछ हैवी ही हो जाता है थोड़ा पिज्जा वगैरह, तो दोपहर में क्या कि कुछ हल्का ही बना लेती हूँ, मतलब जैसे खिचड़ी वगैरह बना ली, इस टाइप से ही बना लेती हूँ। अभी सुबह में, क्योंकि थोड़ा ना टाइम लग जाता है पिज्जा वगैरह बनाने में, क्योंकि उसकी मैं सारी चीजें घर पे ही बनाती हूँ, मतलब चीज नहीं लेकिन उसका जो सॉस होती है, पिज्जा सॉस होती है, वो सब घर पे बनाती हूँ, तो थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए टाइम ले लेता है। तो फिर दोपहर में जो खाना पीना होता है वो थोड़ा फिर लाइट हो जाता है, और फिर थोड़ा देर भी हो जाती है, तो इसलिए मैं फिर खिचड़ी वगैरह ये सब ही बनाना पसंद भी करती हूँ, और फिर ये खाते भी हैं आराम से। तो अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी, और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, अगर तुम्हें आलस भी आ रहा हो ना, तब भी तुम ये खिचड़ी बड़े आराम से बना सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ नहीं डालना, कुछ नहीं, सिंपल बस आपको क्या डालना है वो मैं भी बता देती हूँ। आपको खा सकते हो ऐसा, सुबह में दोपहर में लंच में भी खा सकते हो, या नाइट में डिनर करते हैं तब भी ले सकते हो, बहुत ही इजी है, बहुत 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 इजी है। चाहे कोई कितना भी बिजी हो ना, तब भी वो इस चीज को बना सकता है, क्योंकि है ही इतनी इजी सच में, रियली आप भी देखना। यहाँ लिए है मैंने एक कटोरी चावल, एक कटोरी थोड़े से कम थे, मतलब एक कटोरी मान सकते हैं, और दूसरा लिया है ये दाल जो कि ब्लैक दाल होती है, उड़द की दाल, ये इसको भी एक कटोरी लिया है। दोनों को ना मिक्स कर लेना है और अच्छे से फिर वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना ज्यादा मेहनत करनी है, कुछ नहीं करना है, इनको मिक्स करके ना, क्योंकि ये जो खिचड़ी बनाते हैं ना इसमें ज्यादा दाल ही अच्छी लगती है, तो इसको बस वॉश करना है अभी। और ये हर घर में
मिल ही जाएगी दाल, मोस्टली रखते ही हैं क्योंकि दाल भी खाते हैं, कोई काली दाल बना के खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, तो सबसे अच्छा तरीका है जब कुछ बनाने का मन ना करे तो आप ये बनाएं और टेस्टी भी लगती है, अच्छी लगती है। तो इसको वॉश कर लेती हूँ मैं पहले, बस यहाँ मैंने इसको वॉश करके और इस कुकर में रखा है, और इसी से 2 कटोरी थी तो मैंने लगभग 2.5 कटोरी मान के चलो कि इसमें पानी ऐड किया है। और इसमें अब आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय सॉल्ट के, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डालें और इसमें बस इसको लगा के रख दें, कुकर का ढक्कन लगा के रख दें और इसमें लगभग 2-3 सीटी आने दें, 2-3, क्योंकि इसमें दाल भी है ना, तो दाल थोड़ा मतलब चावल के अकॉर्डिंग देर में होगी, तो इसमें 2-3 सीटी आने दें और उसके बाद आराम से खाएं। तो ये बन चुकी है हमारी खिचड़ी, इस तरीके से बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन बस इसके लिए क्या है ना कि एक मतलब आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ, या फिर कैसे भी खा सकते हैं मतलब, लेकिन मस्ट है कि इसमें ना घी जरूर हो, क्योंकि बिना घी के अच्छी नहीं लगती है। और अगर 1% घी से आप नहीं खाते हो तो एटलीस्ट दही जरूर हो फिर। तो ये है ना अच्छा आइडिया खिचड़ी का, है ना अच्छा आइडिया। असल में जब क्या है कि कभी कुछ बनाने का मन नहीं करता है, या फिर जैसे अभी ना नवरात्र आने वाले हैं तो घर में सब लोगों के पास नहीं होते हैं, कुछ लोग है जो रखते हैं, कुछ लोग नहीं है, जैसे कि मैं रखूंगी और बाकी के ये लोग नहीं रखेंगे, तो किसी किसी दिन चल सकता है कि हाँ खिचड़ी बना लो। या वैसे भी जैसे कभी तुम घर की सफाई करते हैं तो थक जाते हैं, फिर नहीं मन करता है कि हाँ कुछ बना ले खाना पीना, मतलब अलग से कुछ खाना पीना बना ले, तो तब ये खिचड़ी बना ले। बहुत ही अच्छा ये आइडिया है। और मोस्टली ना मैं ऐसा करती हूँ, मतलब जैसे अभी फास्ट आने वाले हैं तो नवरात्र है तो मेरा फास्ट रहेगा, तो मुझे मतलब इन लोगों के लिए बनाना तो हो गया ही, डेली तो नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन किसी किसी दिन तो चल सकता है कि हाँ ये खिचड़ी बना लो और खा लो और आराम से सो जाओ। और या अदर में से भी कोई कोई फास्ट आता है तो जैसे पूरे दिन फास्ट होता है, शाम को पूड़ी वूड़ी ये सब खाते ही हैं, तो एक टाइम आप आराम से इसे बना सकते हो सुबह के टाइम, और शाम के टाइम तो खैर है ही पूड़ी वगैरह, तो तब चल सकता है। या फिर दूसरी बात मैंने बताई है, जैसे आप घर में कुछ साफ सफाई करते हैं तो मतलब बहुत टाइम लग जाता है और मन भी नहीं करता है कि कुछ बनाओ, तो जब आराम से बना सकते हैं। या जैसे हाँ दिवाली आ रही है और दिवाली की सफाई वफाई करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है घर में साफ करने के लिए, तो तब आराम से एक टाइम बना के खा लो आराम से, क्या दिक्कत। जब इतनी आसान सी है तो जो कभी कुछ बनाने का मन नहीं करता है कभी कभी, तो आराम से आप इसे बनाओ और खाओ, है ना बढ़िया आइडिया। तो चलिए खैर यही लग करते हैं, मैं अब यही करती हूँ मतलब अपने ब्लॉग की एंडिंग, और फिर मिलते हैं कल या परसों, देखते हैं अभी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि कभी कभी स्किप हो जाता है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय, टेक केयर।